जीआई टैग क्यों लाया गया? जीआई टैग, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, या क्या जरूरत पड़ गया जीआई टैग का? ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले समझेंगे जीआई टैग क्या क्या होता है। जीआई टैग क्यों जरूरी पड़ा? कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, दूसरा आदमी भी बनाया, तीसरा आदमी भी बनाया, कुछ ऐसा स्पेशल चीज जीआई टैग को दिया गया, कुछ स्पेशल प्रॉपर हो, क्या कि उसमें छेड़छाड़ नहीं हो। क्या हुआ, एक ही सामान है, मान लो आम है, उसी ढंग का बना के दूसरा आदमी भी बेचने लगा, वो बोला कि यही क्या है, मान लो कतरनी चावल यहाँ का फेमस है ना, दूसरा भी चावल है उसमें परत जो है ऊपर लगा दिया, बोल दिया ये भी चावल कौन है, कतरनी चावल है, तू बेईमानी कर रहा है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, आदमी को सही मिले उस चीज के लिए क्या लाया गया, जीआई टैग। तो ये नहीं कि हर प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग, नहीं, उसका सेल भी उस ढंग का होना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज को जीआई टैग दे देगा तो बहुत होते रहेगा सामान की, नहीं होगा। तो हम उसी चर्चा में चलेंगे, जीआई टैग, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या हुआ, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भौगोलिक संकेत, भौगोलिक संकेत। आगे चलेंगे, पहला क्वेश्चन है भारत का जीआई टैग कहाँ खोला गया, ठीक है, एक सेंटर क्यों खोला जाता है, वहां से डीलिंग हो, इसी के लिए ना। तो वो जो है गोवा में खोला गया, कहाँ खोला गया, गोवा में, वहां एयरपोर्ट है गोवा में, उसी के निकट खोला गया, क्या चीज, जीआई टैग का जो है सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम करेंगे, जीआई टैग जब चर्चा हुआ था तो फर्स्ट ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था जिसको क्या मिला गया, जीआई टैग दिया गया, ठीक है। तो दार्जिलिंग का चाय बन रहा था, वहां उतना पॉपुलर हो गया, उसके कारण उस चीज को क्या दिया गया, जीआई टैग। तो फर्स्ट ऐसा कौन सा उत्पाद था जिसको जीआई टैग दिया गया, तो क्या हो जाएगा, कहां का चाय, दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। दार्जिलिंग कहां है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल का चाय था कौन, दार्जिलिंग, उसके चाय को फर्स्ट जो है प्रोडक्ट था उसको क्या मिला, फर्स्ट जीआई टैग उस चीज को। नेक्स्ट सवाल है जीआई टैग का फुल फॉर्म, जीआई टैग का इसके पहले स्टार्ट में भी बताए थे, क्या होगा जीआई टैग का फुल फॉर्म, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट सवाल है भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है, ठीक है, जैसे कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है, ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ, है ना। बैंक का, स्टेट बैंक का क्या, स्टेट बैंक का क्या है, हर मोर आपके साथ, इसी ढंग का हर चीज का जीआई, हर चीज का क्या है, स्लोगन है, अपना अपना टैग है, तो इसका भी टैग है, क्या है उस चीज का, देखो अतुल्य भारत का अमूल्य निधि, अतुल्य भारत का, मेरा जो भारत है वो स्पेशल है, उसका भी क्या चीज है, स्पेशल चीज है, उसको क्या दिया गया, जीआई टैग, यही उसका क्या रहा, टैग लाइन। ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया रहेगा, जो सुटेबल होगा, जो सही है उसको हम जानेंगे, तब उसको टिक करेंगे, रंगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आगे है, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, सिलाव खाजा और और क्या है, शाही लीची, ये जितना प्रोडक्ट है सब फेमस कहाँ है, बिहार में। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कतरनी चावल किस स्टेट में जो है फेमस है, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तो हम जानेंगे बिहार, तो बिहार को रंगेंगे कि नहीं। उसके बाद जर्दालू आम कहाँ, बिहार, मगही पान बिहार, सिलाव खाजा बिहार, शाही लीची बिहार, ठीक है। इससे रिलेटेड और दूसरा सवाल कैसे पूछ सकता है कि चार ऑप्शन दे देगा, ये ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया, चौथा दिया कि इनमें से सभी, तो कौन टिक होगा, इनमें से सभी, ये नहीं कि तीनों को रंग देना है, ठीक है, कि तीनों था जो सूटेबल होगा उसको। आगे चलो, हम कहाँ चलेंगे, बोकोसोल चावल, बोकोसोल चावल के लिए हमको चलना पड़ेगा असम, कहाँ चलना पड़ेगा, असम। इसका क्या खासियत है उस चीज को देखो, इसका खासियत है कि चावल हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या जरूरी पड़ेगा, कुकर में चावल को धोएंगे, पानी डालेंगे, गैस जलाएंगे, तो मेरा क्या बनेगा, चावल बनेगा, भात बनेगा, नहीं बनेगा, इसका इतना इसको वैरायटी, कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा, तब ना इसको जीआई टैग दिया गया कि नहीं। इसका फैसिलिटी है, इसमें केवल पानी डाल देना है और मेरा भात बन जाएगा, तो कहाँ, बोकोसोल चावल। इसका क्या फैसिलिटी है कि कहने का मतलब गैस पे इसको चढ़ाने का कोई जरूरी नहीं है, इसमें पानी डाले और मेरा भात रेडी हो गया, तो कहाँ मिलेगा ये हमको, असम में। नेक्स्ट ग्रीन टी और व्हाइट टी, ये कहाँ आ जाएगा, दार्जिलिंग, कहाँ आ जाएगा, दार्जिलिंग कहाँ था,
वेस्ट बंगाल, कभी कभी पूछेगा दार्जिलिंग कहाँ है तो पश्चिम बंगाल। आगे चलो कड़कनाथ मुर्गा की ओर, तो कड़कनाथ मुर्गा तुमको कहाँ मिलेगा? कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश, कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश। इसका क्या खासियत है उसको देखो, इसका खासियत है ये जो है काला रंग का मुर्गा है। किस रंग का मुर्गा है? काला रंग का मुर्गा है। दूसरा फैसिलिटी है इसका अंडा भी जो होता है वो भी किस रंग का होता है? काला होता है। और इसका खासियत है किस चीज का? कड़कनाथ मुर्गा का इसमें लो फैट मतलब कि प्रोटीन जो है वो कम होता है और कोलेस्ट्रॉल का भी मात्रा क्या होता है? कम होता है। इसके लिए फेमस कहाँ है? कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है। कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ पूरा टाइट ना, माना गुस्साया हुआ एक तरह से, इसे भी याद करेंगे। किसी चीज को अगर हम कनेक्शन करके याद करेंगे तो हमको अधिक याद रहेगा, नहीं रहेगा उसमें दूसरा चीज भी रहेगा कि हमको सस्पिशन नहीं रहेगा। तो कड़कनाथ पूरा जो है गुस्साया हुआ मुर्गा के लिए कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में ना, बीचों बीच में जाएंगे तभी हमको मिलेगा क्या? कड़कनाथ मुर्गा। नेक्स्ट है डिंडीगुल शहर तमिलनाडु। यहाँ क्या खासियत है? यह है ताला के लिए। किस चीज के लिए? ताला के लिए। यहाँ का क्या खासियत है? यहाँ कृत्रिम ढंग से ताला बनता है, मशीन से ताला नहीं। कैसे ताला बनाता है? हाथ से। कहाँ? डिंडीगुल शहर। कहाँ? तमिलनाडु। वैसे भी यार ये क्वेश्चन पूछेगा कि तमिलनाडु का ये प्रोडक्ट मान लिया दे देगा ताला, किस स्टेट में जो है ये जो फेमस है डिंडीगुल शहर का ताला जो है कौन स्टेट में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार? तमिलनाडु। वैसे भी कनेक्शन करेंगे तो से ताला है तो से क्या है? तमिलनाडु। इस ढंग से को हर चीज का जितना सवाल पढ़ेंगे तो और याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हम भरसक प्रयास करेंगे हर क्वेश्चन को इसी से किसी से कनेक्शन करके याद करो और बेनिफिट होगा। नेक्स्ट चलो कहाँ है कडंगी साड़ी और त्रिभुवनम साड़ी? ये हमको मिलेगा तमिलनाडु में। कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। त्रिभुवनम एक तरह से तो से लिखा हुआ था ना, कहाँ मिलेगा हमको? तमिलनाडु में। इसका क्या खासियत है? साड़ी तो है, बॉर्डर इसका अच्छा जैसा है, ठीक है। ये कहाँ साड़ी हो गया? तमिलनाडु में, ठीक है। पहला जो नाम था कडंगी साड़ी, इसका बॉर्डर जो है काफी चौड़ा था, और दूसरा कौन साड़ी था? त्रिभुवनम साड़ी। ये जो है विभिन्न तरह का इसका जो बॉर्डर पे रहेगा, ठीक है, बॉर्डर मतलब साड़ी का जो रहेगा इसमें विभिन्न तरह का जो डिजाइन बना रहेगा। कहाँ के साड़ी में? त्रिभुवनम तमिलनाडु के साड़ी में। आगे चलो कहाँ आगे मिलेगा हमको? कहाँ? रसगुल्ला। रसगुल्ला है उड़ीसा में। कहाँ है रसगुल्ला? वहाँ जगन्नाथ मंदिर है फेमस है, वहाँ जो प्रसाद के रूप में यही चढ़ाता है। कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। कौन मंदिर? जगन्नाथ मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है वहाँ क्या चढ़ता है? रसगुल्ला। ये दोनों जो है खासियत है, देखो थोड़ा सा अंतर है, एगो रसगुल्ला है एगो का नाम बोलता है रसोगुल्ला। रसोगुल्ला का नाम आ जाएगा तो आ जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ जाएगा? पश्चिम बंगाल। और रसगुल्ला का नाम आएगा तो कहाँ? कहाँ का प्रसाद फेमस? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में फेमस है, वहाँ प्रसाद के रूप में क्या आता है? रसोगुल्ला। आगे है कोल्हापुरी चप्पल, एक तरह का चप्पल भी फैसिलिटी था। चप्पल कहाँ है उसको बताओ? इसमें दो स्टेट है। कौन स्टेट? कोल्हापुरी चप्पल में दो स्टेट है, एक है महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र और तमिलनाडु, देखो एक मिनट, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। महाराष्ट्र और इसको हम कैसे याद रखेंगे? चप्पल पहन के मान जाए हम किलोमीटर तय करेंगे कि नहीं करेंगे? हम चले तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सफर करेंगे तो हम सस्पिशन में क्या रहेंगे? के से कर्नाटक और एम से महाराष्ट्र। हम कहाँ पहुंच गए कोल्हापुरी चप्पल पहनते पहनते? महाराष्ट्र और कहाँ? कर्नाटक। चल के किलोमीटर किलोमीटर के से कर्नाटक एम से महाराष्ट्र, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। आगे है ईरोड हल्दी। कौन हल्दी? ईरोड हल्दी। ईरोड हल्दी के लिए कहाँ चलना पड़ेगा? तमिलनाडु। कहाँ चलना पड़ेगा? तमिलनाडु। अब मान लो हमको ये याद नहीं हो रहा, ईरोड हल्दी है, सांगली हल्दी है, कंधमाल हल्दी है, बहुत तरह का है नहीं, तो देखो हम कैसे करते हैं। ईरोड हल्दी है किससे? फर्स्ट लेटर था ई से, ठीक है। और तमिलनाडु में क्या था ना? तमिल हल्दी जो है 3-4 टाइप का था, तो क्या आया? ईटी, ठीक है। तो हल्दी में क्या क्या याद रख रहे हैं हम उस चीज को देखो। देखो ईटी से हम क्या रिलेशन उसको जोड़ रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक ट्रेन कर सकते हैं, ई से इलेक्ट्रिक, टी से ट्रेन। जब हल्दी का ई कनेक्शन कहाँ कहाँ आया था हमको जब ध्यान में रहेगा तो हमको याद आ जाएगा हल्दी का बात था, तो उसमें
हल्दी के बाद में एगो आया था इलेक्ट्रिक ट्रेन, इसे ईरोड हल्दी का बात आएगा, अट्टी से तमिलनाडु। आगे बढ़ो, संगली हल्दी, ठीक है, संगली हल्दी कहाँ है? संगली हल्दी महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। मतलब इसको कैसे रिलेट करेंगे, संगली एस हो गया और महाराष्ट्र क्या आ गया? एम हो गया। एस एम, एस एम मतलब फुल फॉर्म संगली महाराष्ट्र। स्टेशन मास्टर, नजदीक वाला चीज देखो, संगली महाराष्ट्र नहीं, वो जब हमको याद नहीं हो रहा है, जो नजदीक हो रहा है, स्टेशन मास्टर को हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं, उस चीज को याद करेंगे। कहाँ कहाँ, ये हल्दी में, हल्दी तीन टाइप का था, ये हल्दी है, वो हल्दी, इसमें सस्पिशन हो रहा था। क्या बात आया? पहला बात आया ईटी इलेक्ट्रिक ट्रेन ना, ईरोड हल्दी कहाँ? तमिलनाडु। दूसरा आया स्टेशन मास्टर ना, संगली हल्दी कहाँ? महाराष्ट्र। आगे हम चलेंगे कहाँ? कंदमाल हल्दी, कंदमाल हल्दी है कहाँ? उड़ीसा। इसको हम कैसे याद करेंगे ना, तो कंदमाल एक तरह से जो है देखो कंधा पे लेके चल रहा है ना, तो कंधा पे लेके हल्दी कहाँ ढोके जा रहा है? उड़ीसा। तो हम कहाँ पहुंच गए, कंधा पे लेके कहाँ पहुंच गए हल्दी को? उड़ीसा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ो, आगे है मयूरगुर, क्या है मयूरगुर? कहाँ है? केरल है। कहाँ है? केरल है। केरल का इडुक्की नाम सुना है? इडुक्की, इडुक्की परियोजना कहाँ है? केरल में। तो मयूरगुर कहाँ है? केरल में। इसका क्या फैसिलिटी है, उस चीज को देखो, ये जो हाथ से बनाता है गुड़, यहाँ जो आता है गुड़ कैसे बनाता है? गुड़ जो यहाँ आता है फैक्ट्री में बनाता है कि नहीं बनाता है? लेकिन ये केरल का जो ये जो गुड़ है मयूर गुड़, ये हाथ से बनाता है और इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता है। सबसे अच्छा फैसिलिटी कहाँ, सबसे अच्छा गुड़ यदि केरल घूमने जाओ तो ये जो है मयूर गुड़ लेके आओ, जहाँ कोई केमिकल शक्कर में नहीं है। आगे बढ़ो, जीरा फूल, क्या है जीरा फूल? ये तुमको मिलेगा फूल कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अब इसको याद कैसे रखेंगे बताओ, इसको याद कैसे, कनेक्शन कुछ करो। इसमें देखो क्या है, छो, इसमें क्या है? जो, जब हम पढ़ते हैं चो छो जो पढ़ते हैं, फूल का बात आया, छो आया, छो कहाँ? जो में। कहानी खत्म, आगे बढ़ो, तिरूर पान, कौन पान? तिरूर पान। ये पान खाने के लिए तुमको जाना पड़ेगा केरल, कहाँ जाना पड़ेगा? केरल। वैसे भी ध्यान है, इसमें भी रो है और केरल में भी क्या है? रो है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तिरूर पान के बाद आगे बढ़ो कहाँ? सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? महाराष्ट्र। कहाँ जाना पड़ेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब क्या? मुंबई, मुंबई। कौन पान, कौन पान हो गया? सिरसी सुपारी। सुपारी खाने के लिए कहाँ चलना है? एक मिनट, सिरसी सुपारी कर्नाटक, कर्नाटक इसको करना। सिरसी सुपारी कहाँ है? कर्नाटक मतलब बंगलोर ना, सिलिकॉन वैली वही है ना, है सिरसी सुपारी बंगलोर। कहाँ जाना पड़ेगा? कर्नाटक का राजधानी बंगलोर। सिरसी सुपारी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आगे अंतिम पायदान पे है पंचमृतम प्रसाद, पंचमृतम प्रसाद, ये तुमको मिलेगा तमिलनाडु में। कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। इसका क्या खासियत है, इसको देखो, इसमें जो है पांच चीज का मेवा, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं सब्जी में पचफोरना नाम सुना है, उसमें क्या है पांच चीज का मिश्रण है। तो ये जो प्रसाद है तमिलनाडु में जो यूज होता है पंचामृतम प्रसाद, इसमें भी पांच चीज है। इसमें क्या क्या है उसको सुनो, इसमें है मिक्स केला, गुड़, गाय का घी, शहद और इलायची। ये पांच चीज का मिश्रण तो है ही, साथ में जो है स्वाद और बढ़ाने के लिए तुमको खजूर और मिश्री मिक्स किया जाता है। कहाँ? पंचामृतम प्रसाद में, इसको बोलते हैं। और दूसरा नाम पलानी मुरुगन मंदिर, यहाँ कौन मंदिर है? पलानी मुरुगन मंदिर, यहाँ मंदिर है। यहाँ भोग के रूप में क्या यूज किया जाता है? पंच ना। आगे बढ़ो, सेकंड लास्ट में रोबास्टा कॉफी, इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? केरल, ठीक है। ये शहर कैसे याद होगा तो उसको देखो, केरल में ये जो कॉफी है ये फेमस है वायनाड शहर में। कहाँ? वायनाड। अब वायनाड शहर का कुछ याद करो, कुछ है चुनाव में कुछ याद करो। इसी जगह से जो है राहुल गांधी खड़ा हुआ था, कौन शहर से? वायनाड शहर से। कॉफी यहाँ कहाँ है? केरल में। कोई दिक्कत? और अंतिम है कौन? अराकू, ओ से अराकू वैली कॉफी है, ये तुमको मिल जाएगा कहाँ? आंध्र
प्रदेश में, ठीक है। यदि एक आध को सस्पेंशन हुआ होगा तो उसको देखो, फिर से एक बार हम चल रहे हैं जीआई टैग, एक ना एक सवाल हर एक कंपटीशन एग्जाम में एक सवाल रहेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट से एक बार फिर से रिवीजन की ओर चलते हैं। जीआई टैग फुल फॉर्म क्या हो गया? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। फुल फॉर्म क्या हो गया? भौगोलिक संकेत ना। आगे है, भारत का पहला जीआई टैग कहाँ खोला गया? गोवा में, वहाँ एयरपोर्ट है उसी के नजदीक में जो खोला गया, वहां से डीलिंग होगा कि नहीं। आगे बढ़ो, जीआई टैग फर्स्ट उत्पाद क्या था? दार्जिलिंग का चाय, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। आगे है जीआई टैग का फुल फॉर्म, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। उसके बाद है जीआई टैग का स्लोगन, कुछ हो गया जिसका भी अपना कुछ कुछ स्लोगन होना चाहिए, क्या है? अतुल्य भारत का अमूल्य निधि ना, कि अतुल्य भारत, मेरा भारत जो है स्पेशल है, उसका भी जो चीज है उसका क्या है? प्रोडक्ट है। का की जो करना है वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं। आगे है कतरनी चावल, जरदालू आम, मगही पान, सिलाव खाजा, साहिल लीची, सब तुमको कहाँ मिलेगा? बिहार में। आगे है बोकोसोल चावल, कहा असम में, फैसिलिटी बिना पकाए केवल पानी डालो चावल भात रेडी। आगे है ग्रीन टी, दार्जिलिंग फेमस क्यों हुआ? सबसे पहला जीआई टैग इसी को मिला। आगे है कड़कनाथ मुर्गा, मुर्गा जो है गुस्साया हुआ कहाँ था? मध्य प्रदेश का ना। फैसिलिटी क्या था? लो प्रोटीन था और लो कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, और अंडा का भी कलर कैसा होता? काला ही होता है। आगे था डिंडुगुल शहर, किसके लिए? ताला के लिए, कृत्रिम ढंग से ताला बनाता था ना, तो से ताला, तो से तमिलनाडु। आगे है कड़ंगी साड़ी और त्रिभुवनम साड़ी, कहाँ? बॉर्डर जो है उसका है कुछ स्पेशल टाइप का था, चौकोर टाइप का था, डिजाइन था, इसीलिए इसको मिला। आगे है रसगुल्ला, कहाँ? उड़ीसा, वहाँ मंदिर, कौन मंदिर था? जगन्नाथ मंदिर, वहाँ भोग प्रसाद के रूप में यूज किया जाता। आगे था रसोगुल्ला, पश्चिम बंगाल। कोल्हापुरी चप्पल, चप्पल चप्पल के लिए हम क्या यूज किया था? किलोमीटर, सफर हम करते हैं ना, कैसे क्या, कैसे कर्नाटक, एम से महाराष्ट्र। आगे है ईरोड हल्दी, हल्दी वाला में तीन को बात आया था, क्या क्या? पहला स्टेशन मास्टर, दूसरा आया था क्या? इलेक्ट्रिक ट्रेन, और तीसरा क्या था? कंधा पे, जो कंधा पे ढोके कहाँ हल्दी लेके जाता है? उड़ीसा लेके चलता है। तो तीनों हल्दी काम खत्म, ठीक है। आगे मरयूर गुड़, कृत्रिम ढंग से कोई केमिकल यूज नहीं, कहाँ? केरल में। जीरा फूल चो चो जो, छत्तीसगढ़। आगे था तिरूर पान, इसमें भी रो, इसमें भी ना स्पेशल पान। आगे है सिरसी सुपारी, कहाँ? कर्नाटक में। उसके बाद है पंचामृतम, कहाँ? तमिलनाडु में। क्या फैसिलिटी था? पांच स्पेशल टाइप का जो है क्या था? प्रसाद था, पांच चीज का स्पेशल चीज, जैसे पंच मेवा लगा था ना। उसके बाद था रोबस्टा कॉफी, कॉफी पीने के लिए कहाँ? केरल जाता है ना, इसीलिए वहां से चुनाव लड़ा है कौन? राहुल गांधी। आगे है अराकू वैली कॉफी, कहाँ? आंध्र प्रदेश, ठीक है।